आज हम खाने वाले हैं चाइनीज फूड फॉर 24 आवर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू से टू थिंग्स फॉर टुडे। सबसे पहला, जब मैंने ये पोल डाला था कि मुझे क्या वीडियो पहले करना चाहिए, तो वन फूड फैम सेड कि चाइनीज खाने को बैन कर देना चाहिए, सो आप खाने को फेंकना इस वीडियो में। रियली? यस गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग, फूड इज वन, फूड इज समथिंग विच बाइंड्स अस टुगेदर। एंड ये मैंने पहले भी कहा हुआ है, अभी भी कह रही हूँ और हमेशा कहूँगी, ऑलवेज रिस्पेक्ट फूड। एंड फूड के साथ कोई कास्टिज्म या कोई रिलीजियसम या फिर कोई चाइनीज जैपनीज इंडियन वो नहीं होता है। सेकेंड ऑफ ऑल, हम जो चाइनीज फूड खाते हैं दैट इज़ नॉट द ऑथेंटिक चाइनीज। सो बेसिकली जो चाइनीज फूड हम खाते हैं वो इंडो चाइनीज है। चाइना वाले लोगों को भी नहीं पता होगा कि चाइनीज फूड इतना टेस्टी है इंडिया में, क्योंकि वो जो खाते हैं पूरा ब्लाइंड होता है, बॉयल होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो इंसेक्ट्स खाते हैं, जानवर खाते हैं, कुत्ता बिल्ली सब कुछ खाते हैं। क्या आप खाते हो? नहीं खाते हो ना? तो हम वो चाइनीज फूड नहीं खा रहे, हम इंडो चाइनीज फूड फॉर 24 आवर्स खाने वाले हैं। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर टू, लास्ट मेरी वीडियो में विच वॉज रेड कलर फूड फॉर 24 आवर्स, अ लॉट ऑफ फूड फैम, आई एम अज्यूमिंग जिन्होंने भी वो कमेंट किया है दे आर माई फूड फैम, उन सब ने कहा है कि आई हैव डन चीटिंग, वो रेड कलर फूड नहीं है, वो पिंक कलर फूड है, वो ऑरेंज कलर फूड है। पिंक समझ में आता है, सॉरी पिंक समझ में आता है, ऑरेंज। ओ हाँ, एक चीज बताना भूल गए, मेरा एक नाखून टूट चुका है। इट्स अ वेरी सैड न्यूज, आप ही लोगों का नजर लगा इसलिए टूटा है। आप लोगों को एक चीज समझ में आता है, कलर कॉम्पोजिशन, लाइट कॉम्पोजिशन। एक कलर जो है, जैसे ये स्काई ब्लू कलर है, इसमें लाइट गिरेगा ना बहुत ज्यादा डार्क डीप लाइट, तो ये व्हाइट कलर टर्न आउट होगा, तो आप ब्लू को व्हाइट समझोगे। अब मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूं नहीं कि मेरे पास सेटअप हो, बट स्टिल पिंक कलर नहीं गाइज, वो चीटिंग नहीं है, उसमें रेड कलर का खाना है। इन जनरल वे में हमें पता है ये रेड कलर है, ये पिंक कलर है, राइट? अब आप मेरा खाना का वीडियो वापस जाके देख लो, रेड कलर फूड, और देखो ये कलर है ना, ये कलर है, दिस इज जनरल। इसके नीचे आता है शेड्स। अगर आप शेड्स में जाओगे और चैलेंज में अगर आप शेड्स के हिसाब से कंपेयर करोगे, तब तो ना मैं ब्लू कलर करने वाली हूँ, ना मैं ब्लैक कलर फूड करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं कोई भी कलर फूड चैलेंज नहीं करने वाली हूँ। पूछो क्यों? फिर आप लोग बोलोगे ब्लू को, ये तो पर्पल है, ये तो नेवी ब्लू है, ये तो स्काई ब्लू है, ये तो चीटिंग है। करूंगी ब्लैक तो आप लोग बोलोगे ये तो ग्रे कलर है, ये तो डार्क ग्रे कलर है, ये तो लाइट ब्लैक कलर है, मैं चीटिंग क्यों? फिर अगर करूंगी येलो कलर तो आप लोग बोलोगे ये तो मस्टर्ड कलर है, ये तो सनशाइन कलर है, तो आप लोग बोलोगे मैं चीटिंग कर रही हूँ, ये मेरे को नहीं खेलना ये गेम बहुत। सो आप लोग डिसाइड करो कि चीटिंग है, कलर चैलेंज करूँ कि नहीं करूँ। तो चलिए, काफी हुई बातचीत, काफी हुई क्लैरिफिकेशन, अब बनाते हैं चाइनीज ब्रेकफास्ट। बट उससे पहले आज के इस वीडियो का टारगेट इज 8000 लाइक, तो चलिए जल्दी से जाइए इस वीडियो का टारगेट कंप्लीट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए आई एम मेकिंग एग ड्रॉप सूप, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन स्टॉक ले लिया हुआ है। आई एम जस्ट रिमूविंग द चिकन। इस टाइम पे हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा विनेगर, अ डैश ऑफ फिश सॉस एंड अ डैश ऑफ सेसमी ऑयल, ब्लैक पेपर पाउडर, एंड वो जो चिकन हमने बॉईल किया था उसका बोन्स हटा के ये मैंने उसको श्रेड कर लिया मीट को। इस मीट को हम इसमें डाल देंगे, तो ये काफी एक अच्छा सा सूप बन गया है। सो दिस इज रेडी, नाउ इज द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू ड्रॉप इन द एग्स। लास्टली मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर, अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं, बट आई लव कोरिएंडर। एंड वोइला, माय एग ड्रॉप सूप इज रेडी। तो ये आ गया मेरे पास एग ड्रॉप चिकन सूप, एंड अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से दिस इज अ वेरी लाइट ब्रेकफास्ट एंड दिस लुक्स क्वाइट टेम्पटिंग। आप इसमें चाहो तो अपना एडिशन कर सकते हो, ट्रेडिशनल रेसिपी ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया। वैसे भी आज सैटरडे है और हम लोग ने प्लान किया कि आज हम लोग लंच सब एक साथ बाहर जाके करेंगे, वी विल रिलैक्स एंड चिल अ बिट, तो सोचा मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट ही करती हूँ, सो क्योंकि लंच और हैवी होने वाला है, तो चलिए अब इसको खा के देखते हैं। द अरोमा इज रियली गुड, देयर इज अ वेरी नाइस अरोमा ऑफ चिकन ब्रॉथ, एंड मुझे ऐसे सूप बहुत ज्यादा पसंद है। इट्स अ वेरी सिंपल स्टीमी ब्रॉथी फ्लेवरसम लाइट एंड इजी टू मेक सूप, सो डेफिनेटली इसको घर पे बना के खाइएगा। अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है एंड यू वांट टू हैव समथिंग रियली हेल्दी एंड डिलीशियस, देन दिस सूप विल डेफिनेटली सैटिस्फाई योर क्रेविंग्स। आई लव दिस स्टीमी काइंड ऑफ सूप्स, यू नो। चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट फटाफट फिनिश करती हूँ, फिर देखती हूँ बिट्टू भैया प्राची रेडी हुए कि नहीं, उसके बाद हमें निकलना है, मिलते हैं लंच पे।
So Abhi, now for the lunch, we all have got together because it's Saturday, obviously off day. So आज हम सबको ही है. प्राची थोड़ा मुंह दिखा दो अपना भी. लोग बोलते तो attitude दिखाती है. दिखा दे. आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सब एक साथ एकत्र हो जाते हैं टू हैव लंच, प्रॉपर लंच. एंड चाइनीज फूड इज बेसिकली ऑल ऑफ आवर फेवरेट. तो वी आर हेडिंग टू हैव आवर लंच एट सेक्टर 5. तो चलिए वहां पहुंच के देखते हैं क्या खा सकते हैं. चाइनीज खाना हो और क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न ना खाएं ऐसा कैसे हो सकता है. सो फॉर स्टार्टर्स आई हैव ऑर्डर्ड क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न एंड मेन कोर्स में आई हैव ऑर्डर्ड चिकन इन हुनान स्टाइल, एग रैप्ड फ्राइड राइस एंड कैंटोनीज नूडल्स, बेसिकली पैन फ्राइड मिक्स नूडल्स. मुझे ड्राई क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न ज़्यादा पसंद है रादर देन द ग्रेवी वन. बिकॉज आई ऑनेस्टली फील बेबी कॉर्न इज अ स्टार्टर वेजिटेबल बिकॉज वो अपने आप में उनका उसका जो बेस होता है दैट्स वेरी क्रिस्पी एंड वेरी क्रंची. तो स्टार्टर में बहुत अच्छा जाता है. दिस इज वेरी वेल कुक्ड. इसको ना आप गर्मा गर्म ही खाइएगा जब भी आप ऑर्डर करते हो बिकॉज नहीं तो फिर वो बहुत सॉगी हो जाता है, फिर उतना टेस्ट नहीं आता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज स्प्रिंग अनियन. आई लव स्प्रिंग अनियन क्योंकि चाइनीज खाने में स्प्रिंग अनियन बहुत पड़ते हैं. आई लव स्प्रिंग अनियन. दिस इज एग रैप्ड राइस. Basically, this is nothing but normal fried rice wrapped in an egg omelette. The aroma is very good. This is very good. Basically, क्या होता है ना जब ये fried rice बनाते हैं ना तो उसमें वो लोग एक dash of chicken stock भी डालते हैं जिसकी वजह से ये इतना अच्छा टेस्ट आता है जो हम घर पर नहीं करते हैं. तो next time I'll try that while cooking at home. मैं fried rice जब बनाऊँगी ना मैं थोड़ा सा chicken stock sprinkle करूँगी बिकॉज दैट टेस्ट रियली बेटर. तो ये आ गया मेरे पास चिकन इन हुनान स्टाइल. इसका जो बेस है जिंजर गार्लिक सोया सॉस ऑयस्टर सॉस ये सबका एक मिक्स बनता है जो बहुत फटाक से बन जाता है. एंड इसके अंदर काफ़ी सारा जिंजर और गार्लिक रहता है. एंड इसके अंदर आप जो चिकन देख रहे हैं वो वेरी फाइनली थिनली स्लाइस चिकन है. एंड इसमें आपका है काफ़ी सारा कलरफुल बेल पेपर्स एंड आई लव वेजीज. एग रैप राइस के साथ खा के देखते हैं. आपको इसका कलर देख के लग रहा होगा काफ़ी ब्लैंड है बट इट्स वेरी फ्लेवरफुल. इट्स लिटिल स्पाइसी ऑल्सो एंड जो हल्के हल्के डाइस्ड गार्लिक का जो क्रंच आ रहा है ना मुँह में दैट्स अमेजिंग. एंड यू नो चाइनीज फूड का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है ये आप भी कमेंट करके बताइएगा बिकॉज मेरे को लगता है अगर आप मेरी तरह फूडी है तो आपको भी पसंद आएगा. विच इज़ कॉन्डमेंट्स विच इज़ द रेड चिली सॉस एंड दिस इज लव. लाइक दिस चिली विनेगर इज जस्ट लव लव लव. सो आई जस्ट पुट चिली विनेगर ऑन टॉप बिकॉज आई लव टू जस्ट यू नो pour as much as chili vinegar onto the plate. Iska flavor main aapko kaise batau. It is light, it is flavorful. There's a very nice punch onto the mouth, blast of flavors. And the best part about Chinese food na, aap khane ke theek aadhe ghante baad na you feel very light. Makes you fuller at the time you're eating, but khane ke aadha ghanta baad again you feel hungry. Is it the same fact with you? Then comment below. So ye aa gaya mere paas pan fried noodles and this is People who follow me on Instagram या फिर जो मेरे बहुत पुराने फूड फैम हैं उनको पता हाउ मच आई लव 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 नूडल्स एंड पैन फ्राइड नूडल इज़ माई फेवरेट. आप देख सकते हैं इस पैन फ्राइड नूडल्स में देयर सो मच ऑफ वेजिटेबल्स एंड द कलर इज़ सो ब्राइट एंड कलरफुल. लाइक दिस इज सो डैम गुड. इसके अंदर ऊपर है प्रॉन चिकन एग एंड लॉड्स एंड लॉड्स ऑफ वेजिटेबल्स. सो नाउ लेट्स जस्ट टेक इट. Aroma is superb. Flavors are really good, but it is like little less spicy. So I'm going to add vinegar chili. Like the way मैं जिस तरह से ketchup खाती हूँ ना वैसे मैं chili vinegar खाती हूँ when it comes to Chinese food. So you can be my chili vinegar fam as well. Mix, 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 mix. Now let's just dig in. The noodles are crunchy because those are semi-fried and ऊपर से जो कैबेज है जो कैप्सिकम है जो कैरेट है उसका भी एक अलग से एडिशनल क्रंच आ रहा है एंड द मीट इज एज यूजुअल इज गुड. द ओनली पार्ट आई फील कि इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चंक्स ऑफ प्रॉन या बड़ा चंक्स ऑफ मीट होता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता. इसमें सब कुछ इन्फ्यूज होगा तो पता ही नहीं चल रहा मीट कैसे ये प्रॉन मेरे को मिला.
done and the entire bill has costed me some around 1755 rupees, which includes soft drink and a bottle of water. I think this place is little expensive, but theek hai, hum log yahan par aaye the for party thing and hum logo ko thoda baith ke aaram se khana tha. The food was really good, the quantity was also good, and however bittu bhaiya ke haath mein hai, I have packed the pan fried noodles jo main ghar mein mummy ko dene wali hu, mummy khayegi because never waste food. So chaliye sham ko milte hain. घर आ गई हूँ अभी, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ बिकॉज आई एम रियली वेरी टायर्ड. सो फ्रेश होके फिर वो गर्मा गर्म इवनिंग स्नैक्स खाएंगे. फॉर द इवनिंग स्नैक्स आई हैव गॉट स्प्रिंग रोल, दैट इज राइस पेपर स्प्रिंग रोल एंड चिकन सुरमाई. ओके, इट्स अ पीनट चिल्ली पेस्ट. इसे तो काफी स्पाइसी लग रहा है, द कलर इज सो रेड. Okay, this is sweet chili sauce. Yes, sweet chili sauce. Ha. The taste is quite good. Let me try this with the sweet chilies. I don't like peanut butter thing. Good, but I don't like peanut at all. Sir, बोलू ये मेरा chopstick से पकड़ नहीं पा रही हूँ. I'm just keeping the chopstick and chopstick से खाने जा रहा है इसको. I'll eat with the hands only. हाथ से खाके जो सुकून है ना, वो किसी चीज में नहीं है. Quite good. स्वीट चिली सॉस काफी अच्छा है. तो क्वाइट अ गुड फीलिंग आप देख सकते हैं इसके अंदर. काफी ज्यादा मिंस चिकन है, स्प्रिंग अनियन एंड कैरेट है. काफी अच्छा है, इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है. इसको मोमो के साथ मत कंफ्यूज कीजिएगा. मोमो एंड सुरमाई बेसिकली डिमसम्स एंड मोमोज आर डिफरेंट एंड इसका फ्लेवर्स, इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है. स्प्रिंग रोल काफी अच्छा लगा. देयर्स टू प्रॉन इन हेयर एंड इसके अंदर देयर्स राइस नूडल्स, देयर्स कोरिएंडर, देयर्स मिंस चिकन एंड आई नीड टू चेक ऑन दिस व्हाट लीव इज दिस. आई जस्ट टेक इन अ बाइट फर्स्ट. मैं बिना स्वीट चिली सॉस के खा रही हूँ. तो ये जो लीव है, दिस इज बेसिकली पॉक्चर, इन्होंने पॉक्चर डाला हुआ है. वेरी लाइट, इनफैक्ट सीजनिंग भी इसमें मिंस चिकन का डाला हुआ है, बहुत हल्का सीजनिंग है. सो बेसिकली जिसको लाइट एकदम ब्लैंड खाना है वो इसको खा सकता है बिकॉज मेरे को ब्लैंड बहुत अच्छा लग रहा है. और ये स्वीट चिली सॉस के साथ खा सकते हैं बिकॉज ये इसका टेस्ट को पूरा एकदम एनहांस कर देता है. अगर बात करूं मैं इस स्प्रिंग रोल की, तो डेफिनेटली ये एक एक्सोटिक डिश है. बट अगेन इस स्प्रिंग रोल के अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स भी जाते हैं, कैबेज, कैरेट, पिकल्ड कैरेट. एज पर प्राइस एस्पेक्ट मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा वो लोग वर्कआउट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज देयर टेकिंग आई थिंक 240 रुपीज और सो. डिनर के लिए आई हैव ऑर्डर्ड प्रॉपर इंडो चाइनीज फूड, दैट इज ड्रम्स ऑफ हेवन, सेजवान नूडल्स, चिली चिकन. तो ये मैंने वहीं से ऑर्डर किया है, चाइनीज मोमो प्लाजा सेंटर, विच इज वन ऑफ आवर मोस्ट 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 फेवरेट इटरीज व्हेन इट कम्स टू चाइनीज फूड. इतना सॉसी है आपको देख के लग रहा है. एंड इसका बेस्ट पार्ट है ड्रम्स ऑफ हेवन का, आप देखो इसमें टमाटर डाला है वो है. वाओ, दिस सो डिलीशियस. थोड़ा सॉल्टी है, अदरवाइज इट्स वेरी वेल मैरिनेटेड. काफी फ्लेवरफुल है, बहुत अच्छा स्पाइस है एंड बहुत सॉसी है. इस जगह का चिली चिकन तो मैंने पहले भी खाया हुआ है लास्ट वीडियो में, तो क्या बोलूं, इट्स वेरी गुड, मस्ट ट्राई. सो I hope you like this video and I hope you like this challenge. If you do so, then so jaise ki main hamesha kehti hu, like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also see you in the next time. Till then what? Till then happy Chinese food eating. Actually no, happy drums of heaven eating.